ओ भाई खतरनाक फ्रेम ड्रॉप हो, 17 पे चल रहा है, 17 हो गया भाई। एक बार मैं देख लेता हूँ। आज हम लोग करने वाले Realme C21 में PUBG टेस्ट और देखेंगे कैसा परफॉर्मेंस ये फ़ोन निकाल के दे रहा है। अगर प्राइस का बात करूं तो ये 9000 के रेंज में आता है, और डिस्प्ले का बात करूं तो IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है 6.5 इंचेस का, 400 निट्स तक का ब्राइटनेस है, 60 हर्ट्ज का आपको पैनल देखने को मिलता है रिफ्रेश रेट। मेरे पास वो वेरियंट है 4GB रैम विथ 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है। चिपसेट का बात करूं तो MediaTek Helio G35 देखने को मिलता है, जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से अच्छा तो नहीं है, बट ठीक है। 12 नैनोमीटर का चिपसेट है, ऑक्टा कोर पे रन होता है, LPDDR4 का रैम है इसमें, और अगर मैं अंतुतु स्कोर का बात करूं तो 1,29,000 देखने को मिलता है, 1,29,000 के अबव देखने को मिलता है, आसपास 1,30,000 समझ लो। अगर बेंचमार्क का बात करूं तो सिंगल कोर में आपको 175 देखने को मिलता है, मल्टी कोर में 942 देखने को मिलता है। रीडिंग राइटिंग स्पीड का बात करूं तो रीडिंग स्पीड 188 Mbps है, और यहाँ पे राइटिंग स्पीड 151 Mbps देखने को मिलता है। अगर टेम्परेचर का बात करूं तो नॉर्मल टेम्परेचर आपको 30 देखने को मिलता है, और फोन का जो टेम्परेचर है ये 35 देखने को मिलता है। और एक चीज मैं पहले बता देता हूँ, बहुत लोग पूछेंगे भाई ये मैंने केबल क्यों लगाया, बिकॉज यहाँ इसी केबल की वजह से आप FPS काउंट देख सकते हो, और जो मैं सॉफ्टवेयर यूज करूंगा उसका नाम है Geekbench, और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। और यहाँ पे PUBG को भाई ओपन कर देते हैं, और यहाँ पे साउंड देख सकते हो, मैंने साउंड को फुल कर दिया, तो एक चीज समझो साउंड जो है वो लाउड है, लेकिन क्वालिटी वाला साउंड आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे अगर मैं सेटिंग्स का बात करूँ तो यहाँ पे मैंने जायरोस्कोप को ऑलवेज ऑन करके रखा हुआ है, और अगर मैं सेटिंग में ग्राफिक्स में जाता हूँ तो आप स्मूथ पे मीडियम खेल सकते हो, बैलेंस में आप मीडियम खेल सकते हो, HD सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे हम लोग जो पहला मैच है आधा घंटा हम लोग जो स्मूथ एंड मीडियम में खेलेंगे, बिकॉज मैक्सिमम लोग इसी सेटिंग्स में खेलते हैं, और बाकी का सेटिंग्स में चेकआउट कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैं अभी मिल्टा का तरफ जा रहा हूं और देखता हूं कि कैसा FPS मिलता है। तो यहां पे जो FPS है ये अभी फिलहाल तो 21, 29, 25 का देखने को मिलता है, 60 तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। लेट्स सी क्या रिस्पांस मिलता है। मेरे को बहुत गंदा वाला लैग ऐसा लगता है होगा, आज तो मैं अच्छा नहीं खेल पाऊंगा, संभाल लेना। क्यों? आज मेरे पास स्मार्टफोन अच्छा नहीं है। बहुत सारी गाड़ी है, आज तो क्या तुम बचा दोगे? क्या बचा देगा, बोल तो रहा है। ओके ओके, ऐसा लोग मेरे को बहुत पसंद है भाई, देख लियो हम लोग भी यही है यार, ये कितना ऑसम है यार, थैंक यू यार। लेफ्ट साइड में हल्का लेफ्ट में भी है, गया मैं भी गया, ये रिवाइव कर रहा है, रिवाइव कर रहा है, अभी आ सकता है, वो मर गया, हाँ एक जन है सिर्फ, उसका टीममेट मर गया है, अंकित मारा शायद उसको, हाँ भी मिला होगा। हाँ एक तो भाई मैं प्रो प्लेयर नहीं हूँ, और दूसरा भी ये भाई ये डाटा केबल लगा के तो और नहीं खेल पा रहा हूँ, और ये फोन का जो प्रोसेसर है इस पे तो मैं और नहीं खेल पा रहा हूँ, क्या ही बोलूँ, मतलब दिक्कत ही दिक्कत है इसमें तो। नहीं कोई नहीं आया, अरे सामने ही मेरा बोलता ही आ गया, कोई आओ तुम जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, अरे ये तो बहुत टेस्ट, हाँ मारो फिर जो भी है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। सो गाइस यहाँ पे जो मेरे को FPS मिल रहा है फिलहाल ये 25 एकदम चिपक्के मिल रहा है, और अभी यार एनिमी वगैरह सामने आने से मालूम चलेगा ये चिपक्के कितना मिलता है, फिलहाल तो मतलब 24-25 मेरे को FPS एकदम चपका के मिल रहा है। ओ भाई खतरनाक फ्रेम ड्रॉप हो, 17 पे चल रहा है, 17 हो गया भाई। एक बार मैं देख लेता हूँ, बाहर ही तो हूँ, कहाँ बंदा है मेरे को भी देखने का, मैं भी गया अंदर चलो अंदर चलो लौंडे अंदर चलो, भाई कहाँ पे, कौन बच गया नंबर 3 नीचे बेटे, बेटे आजा कुत्ते का मौत मरूंगा नहीं तो मैं, भाई पकड़ ले, भाई पकड़ ले वरना चल दूंगा मैं, थैंक यू, नहीं तो आज मेरा RIP हो जाता, RIP ले तेरी गया बस।
सबका आरआईपी हो गया। सो गाइस यहाँ पे 30 मिनट हो चुका है पबजी गेम प्ले करते हुए। यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर का बात करूँ तो यहाँ पे स्क्रीन के तरफ में आपको हाईएस्ट 41.42 देखने को मिलता है, और यहाँ पे बैटरी तो मैं क्या ही बताऊँ, बिकॉज यहाँ तो अभी ये चार्ज भी हो रहा प्लस FPS काउंट भी चल रहा है, तो बैटरी तो मैं नहीं बता सकता। लेट्स सी कि और हम लोग खेलते हैं और कहाँ कहाँ कैसा लैग देखने को मिलता है। जो अभी FPS है वो 17 पे आ गया था लिटरली, और यहाँ पे जो आपको हाईएस्ट फ्रेम देखने को मिलता है वो है 25, 26, 24 देखने को मिलता है। पूरा स्क्वाड है भाई, किसी को दिख रहा है यहाँ पे? पूरा स्क्वाड है। एक जन नॉक किया, थोड़ा सामने जाके पुश करना पड़ेगा पता है। सो गाइस यहाँ पे 1 आवर हो चुका है हम लोग पबजी गेम प्ले टेस्ट करते हुए, और यहाँ पे अगर मैं टेम्परेचर का बात करूँ फ़ोन का, ओके 44.5 जा चुका है हाईएस्ट स्क्रीन के तरफ में, और लेट्स सी कि एक घंटा तो हो चुका है, और देखते हैं भाई FPS के तरफ। आप भाई एकदम बिल्कुल ध्यान रखना, मैं और थोड़ा देर गेमिंग करने वाला हूँ। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि 1 आवर 9 मिनट हो गया पबजी गेम प्ले करते हुए। अगर यहाँ पे टेम्परेचर का अब मैं बात करूँ तो यहाँ पे अभी मैक्स टेम्परेचर इस फ़ोन का जा चुका है, जो कि है 43 देखने को मिल रहा है, 43.5, और बैक की तरफ में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 44 देखने को मिलता है। यहाँ पे जो FPS है मेरे को 24-25 का देखने को मिला, लेकिन जब भी एनिमी वगैरह आता है तो भाई आराम से 17-20 तक आराम से चल जाता है। सो यस, ये फ़ोन रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है फॉर पबजी, अगर आप पबजी के लिए इस फ़ोन को देखना चाहते हो। सो अगर यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक जरूर कर देना, हमारे चैनल कर दो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर लेना, मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।